हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम आ चुके हैं एक और गणपति मेकिंग के वर्कशॉप पर, जो योगी चौक के अंदर है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसी मूर्तियाँ हैं। ये है महावीर चौक, जो योगी चौक के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार रास्ता है, यहीं पे है वर्कशॉप। चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं इनके पास में। आप लोगों के ही कमेंट आए थे कि योगी चौक पर जाकर वर्कशॉप का वीडियो बना के लाइए। तो हम आ चुके हैं योगी चौक पर और काफ़ी सारे वर्कशॉप के वीडियोस मैं खुद बना के लेके आई हूँ। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए, तो वहाँ पर भी जाकर मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप के वीडियो बनाए हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन का आप जैसे सिर्फ एक एरिया बता देते हो तो फिर पता नहीं चलता है। काफ़ी बड़ा एरिया होता है कि लोकेशन कहाँ पर है, तो थोड़ा प्रॉपर एड्रेस आप मेंशन किया कीजिए तो आराम से वर्कशॉप मिल जाए, तो हम वहां पर जाकर वीडियो बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे वर्कशॉप्स के वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर है सिर्फ मंगल मूर्ति, छोटी साइज़ की, आपको 1 फुट से लेकर 1.5-2 फुट तक की यहां पर गणपति जी की मूर्तियां मिलेंगी। तो देख लेते हैं कैसी मूर्तियाँ हैं। और भी कई वर्कशॉप के वीडियोज़ आगे भी आएंगे चैनल पर, आपने जो कॉमेंट किए वहाँ पर भी जाकर और भी बना के लेके आएंगे। तो चलिए गणपति बप्पा मौर्या। यहाँ पर जैसे सिंपल मूर्तियाँ चाहिए आपको तो सिंपल मूर्तियाँ भी है विदाउट डेकोरेशन वाली, और डेकोरेशन वाली चाहिए तो उसमें काफ़ी अच्छा और सुंदर श्रृंगार किया गया है मूर्तियों का। ये आप देख सकते हो पीछे शेषनाग है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है ये मूर्ति। और अलग अलग डेकोरेशन है और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है। ये मराठी पगड़ी में है बप्पा, और ये वाली आप देखो यहाँ पर तिरुपति बालाजी के रूप में है। और ये आप देखो मुकुट काफ़ी सुंदर डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पर सब में अलग अलग तरह की पगड़ियाँ बनाई गई है मूर्तियों में। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पर मूर्तियों पर किया गया है, श्रृंगार जो होता है वो, और सब में अलग अलग तरह का श्रृंगार किया गया है मूर्तियों पर। ये आप देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, और बहुत सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन मूर्तियों का आप श्रृंगार देख सकते हो, 1.5 से 2 फुट की ये मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर सिंगल कलर में जैसे आपको चाहिए तो ये ऑरेंज कलर की मूर्ति है, सिंगल कलर में बहुत सारी इनके पास में है। ऑरेंज है, रेड है, वाइट है, अलग अलग कलर्स की। ये वाली भी मूर्ति आप देखो काफ़ी सुंदर डेकोरेट की गई है, बहुत ही सुंदर मूर्ति। ये रेड कलर की मूर्ति भी आप देखो, ये भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी मूर्ति, जैसे अगर आपको सिंगल कलर में गणपति जी की मूर्ति चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप घर के लिए या फिर पंडाल के लिए छोटी मूर्ति लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर ये मूसक पर गणपति जी बैठे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी और सुंदर गणपति जी की मूर्ति है। ये सब विदाउट डेकोरेशन है, इसमें और भी डेकोरेशन करवाना हो तो आप डेकोरेशन करवा सकते हो। सिंपल चाहिए तो आपको सिंपल मिल जाएगी। ये देख सकते हो बापा म्यूज़िक बजाते हुए, म्यूज़िक में जो भी चाहिए, जैसे यहाँ पर ये ढोल के साथ में है और पीछे भी और भी है। यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको गणपति जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, तो बहुत ही सुंदर है। ये येलो कलर में बप्पा का श्रृंगार किया गया है, बहुत सुंदर मूर्ति है। यहाँ महादेव जी के रूप में गणपति जी है शिवलिंग के साथ में, तो ये भी बहुत सुंदर मूर्ति है। जो वीणा बजा रहे थे बप्पा, तो ये वाला देखो इसमें डेकोरेट करके ऐसी कुछ बन जाएगी, विदाउट डेकोरेशन चाहिए तो ये वाली है। ये वाली मूर्ति में साफा आप देख सकते हो, येलो और ग्रीन कलर का, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। साफा मूसक के ऊपर गणपति जी बैठे, इस वाली मूर्ति में गाय के ऊपर गणपति जी बैठे, तो ये भी काफ़ी सुंदर मूर्ति है। यहाँ आगे जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही है उनके पीछे भी बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर, जैसे आप देख ही रहे हो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन की गणपति जी की मूर्ति है। ये मोदक के साथ में है, वो भी बहुत सुंदर है।
यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी के ऊपर गणपति जी बैठे हैं, तो ये भी एक अलग तरह की प्रतिमा है गणपति जी की। सभी मूर्तियों में अलग अलग श्रृंगार किया गया है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है सभी मूर्तियाँ। ये वाली मूर्ति आप देख सकते हो सिंगल ऑरेंज कलर में है और उसका श्रृंगार देख सकते हो, और यहाँ पर ये येलो कलर की पगड़ी में गणपति जी हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है मूर्ति। ये वाली मूर्ति कृष्ण भगवान जी के रूप में है, तो ये भी काफी सुंदर मूर्ति है। और भी कई मूर्तियां हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर इस सिंगल कलर में भी, जैसे रेड कलर की है, ऑरेंज कलर की है, तो वो भी काफी सारे ऑप्शंस है। किसी को सिंगल कलर पसंद आता है तो उस तरह की भी आप मूर्ति यहाँ से ले सकते हो। कलर में चाहिए तो देखो आप, रेड है, वाइट है, ये वाली वाइट है, वो रेड है, ये रेड के अंदर श्रृंगार किया गया है, वो आप देख सकते हो रेड के अंदर कुछ इस तरह का श्रृंगार होने के बाद में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है मूर्ति। इसमें साफा बनाया है, इस मूर्ति में साफा नहीं है, इसमें डायमंड का काम किया गया है, तो वो भी देख सकते हो आप, कुछ इस तरह की है मूर्ति। और ये पीछे की साइड में भी काफी सारी मूर्तियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कई तरह की मूर्तियां। पीछे ग्रीन कलर की गणपति जी की मूर्ति थी, ये भी बहुत सुंदर थी सिंगल कलर में। और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां भी है, इनके डेकोरेशन अभी होने वाला है। सिंपल चाहिए विदाउट डेकोरेशन तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी मूर्तियां। ये सब छोटी साइज की हैं। ये सब भी छोटी साइज की, 1 फुट जितनी है। और यहाँ पर ये डेकोरेशन का काम चल रहा है मूर्ति पर। यहाँ पर इन मूर्तियों का श्रृंगार अभी कंप्लीट हुआ है। और आपको छोटी साइज की मूर्ति चाहिए 1 फुट जितनी, तो उसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस वर्कशॉप का नाम श्री राम है और यहाँ पर 500 से आपको मूर्ति स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर ज्यादा जिस हिसाब से आप डेकोरेशन वगैरह कराते हो उस हिसाब से आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी। काफ़ी सारी मूर्तियां हैं यहां पर, तो इसका एड्रेस और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो आकर यहां पर ले सकते हो। और भी कई वर्कशॉप के वीडियो है तो आप वो भी जाकर देख लेना। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैनल को चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।